हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार कृषि विभाग ने कार्यवाही करते हुए 6 किसानों को समय से पूर्व धान की नर्सरी लगाने को लेकर नोटिस जारी किया है। खंड कृषि अधिकारी डॉक्टर अश्वनी काम्बोज ने बताया कि घटते वाटर लेवल को देखते हुए सरकार की ओर से समय से पूर्व धान लगाने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। उन्होंने कहा कि किसान 15 मई से पहले धान की नर्सरी नहीं लगा सकता और 15 जून से पहले धान की रोपाई नहीं की जा सकती, क्योंकि इस मौसम में धान को पानी की अत्यधिक आवश्यकता होती है और लगातार पानी के दोहन से वाटर लेवल नीचे खिसक रहा है। लेकिन कुछ किसानों ने नियमों की परवाह न करते हुए समय से पूर्व धान की नर्सरी लगाई है, जिन पर कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि किसान ढांचा और मूंग की फसल इस मौसम में लगा सकते हैं। सरकार की तरफ से अनुदान पर बीज दिया जा रहा है और इनके लगाने से खेत की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाएगी, उसके उपरांत किसान धान की फसल लगा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से DSR मशीन से सीधी धान की रोपाई करने पर 4,000 रुपये अनुदान के तौर पर दिए जा रहे हैं और मशीन पर 50% अनुदान सरकार की तरफ दे दिया जा रहा है। उनकी से हमारे संवाददाता जसविंदर शर्मा की रिपोर्ट। धान की बिजाई को लेकर के किसान जो है तैयारियां कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर फिलहाल? अभी धान के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से जो गाइडलाइन है उसमें मैं सभी किसान भाइयों से अपील करता हूं कि पानी की बचत को देखते हुए 15 मई से पहले कोई भी किसान भाई धान की नर्सरी ना लगाए और 15 जून से पहले धान की ट्रांसप्लांटिंग ना करे, धान की रोपाई ना करे, क्योंकि पिछली बार भी किसान भाइयों ने कुछ अगेती अगर कई बार लगा देता है, धान की रोपाई की है, उसमें उन वैरायटी में उन जगह पर धान की जो ये ड्वार्फिंग डिजीज जो है बोनापन की शिकायत आई थी, जो कि एक वायरस की वजह से हुई है। जिस भी किसान भाई ने धान की अगेती रोपाई की थी उन जगह पर उसका प्रकोप जो है ज़्यादा दिखाई दिया है। इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से किसान भाइयों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी भाई धान की रोपाई जल्दी ना करे और ये जो धान के बोनेपन की जो शिकायत आई थी वायरस की, ये धान की सीधी बिजाई में DSR विधि से जो अभी गवर्नमेंट ने जो एक मुहिम चलाई है पानी की बचत के लिए, उसमें ये बीमारी कम आई थी, ये वायरस कम आया था। इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी किसान भाइयों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ये प्रार्थना है कि धान की सीधी बिजाई की ओर ध्यान दें और इस बार हमारे इंद्री ब्लॉक में 1500 एकड़ में हमें टारगेट मिला है, 1500 एकड़ में धान की सीधी बिजाई की जाएगी, जिसके लिए किसान भाइयों में काफ़ी उत्साह है। जिन किसान भाइयों ने पिछले साल धान की सीधी बिजाई की थी उनके यहाँ पर ये बोनेपन वाला जो ये वायरस है ये बहुत कम देखने को मिला था और उनकी यील्ड भी अच्छी निकली है। इसके लिए सरकार की तरफ से 4,000 रुपये प्रति एकड़ का अनुदान राशि का भी प्रावधान है। तो कोई भी किसान भाई जो धान की सीधी बिजाई करना चाहता है वो हमारे खंड कृषि कार्यालय अथवा अपने नज़दीकी कृषि विकास अधिकारी से संपर्क कर सकता है और इस स्कीम का लाभ ले सकता है। ढांचे और मूंग को लेकर भी सरकार की तरफ से कुछ निर्देश दिए गए हैं कि उसमें कितना एरिया कवर किया जाएगा, क्या लाभ है उसका? ढांचे के लिए और मूंग के लिए ऑनलाइन पोर्टल चला हुआ था और उसके लिए एक किसान को 10 एकड़ ढांचे का बीज और 3 एकड़ का मूंग का बीज ऑनलाइन पोर्टल करने के बाद HSDC करनाल से उपलब्ध करवाया जा रहा है। ढांचे का इंद्री एरिया में 5,000 एकड़ और मूंग का 1,000 एकड़ का टारगेट था। तो जो भी किसान भाई जिसने भी ऑनलाइन पंजीकरण कराया है वो करनाल से HSDC से लेकर बीज आ रहा है और इसकी बिजाई कर रहा है। इसका फायदा ये है कि एक तो मूंग या ढांचे का जो भी बिजाई करता है उसके लेग्यूम क्रॉप होने की वजह से इसमें जो है जो अपने खेत की जो ऑर्गेनिक मैटर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आने वाले टाइम में खाद की कम जरूरत पड़ती है। कुछ किसानों ने डॉक्टर साहब समय से पहले जैसे पौध की बिजाई शुरू कर दी है, उनको लेकर क्या कार्रवाई की गई है कुछ किसानों पर? मैं किसान भाइयों को आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी किसान भाई
धान की नर्सरी 15 मई से पहले ना लगाए, क्योंकि जैसा कि अभी मैंने बताया था, जो पिछली बार वायरस का जो अटैक हुआ था वो जल्दी ट्रांसप्लांट करने वाले जो किसान थे उनके खेतों में अधिक पाया गया था। तो ऐसा ना करें, ऐसा करने पर जो कानून का प्रावधान है उसके तहत अब 6 किसानों को नोटिस दिए गए हैं और उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो DSR से कितना जो उत्पादन होता है और अलग से जो जैसे बिजाई करते हैं उसका कितना उत्पादन होता है उसमें कितना? DSR के जो है आम तौर पे जो ट्रांसप्लांटेड राइस है उसमें और DSR में बहुत फर्क है। DSR एक तो 10 दिन पहले आ जाती है, जैसा कि मैंने बताया जो बोनेपन वाली जो ये बीमारी है ये इसमें नहीं लगती वायरस, ये इसमें आने के चांसेस कम होते हैं। और इसमें बकाना डिजीज जो पौधा बढ़ने वाली डिजीज है वो नहीं लग आती है, 6 दिन की वैरायटी है। और उसके बाद फार्मर को एक अदर क्रॉप लेने का टाइम लग जाता है, जैसे अर्ली किसी ने आलू लगाना है या कोई और वेजिटेबल लगानी है, धनिया लगाना है, तो वो एक उसका इनकम का अदर सोर्स मतलब इनकम उसकी बढ़ जाती है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।